गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू वन ब्लॉग। एक्चुअली ये मेरा 1 month हो गया, आज मेरा 30th ब्लॉग है। मैं सोच रहा, मैं तो कुछ स्पेशल नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं अभी पढ़ रहा हूँ, तो मेरा ब्लॉगिंग तो हमेशा कल से तो छोटा हो रहा है। आज का ब्लॉग ट्राई करूँगा बड़ा करने का। आज का ब्रेकफास्ट में आ चुका है, मैं अभी इडली और घुगनी खाऊँगा। और अभी चलिए मैं अभी कर देता हूँ मेरा ब्रेकफास्ट, और उसके बाद थोड़ी देर सुबह उठ के मैं पढ़ रहा था इंग्लिश का मूवमेंट का लास्ट चैप्टर, दूसरा बच गया था मेरा। कल पढ़ रहा था लेकिन जस्ट थोड़ा सा बच गया था वो पढ़ा। चलो अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट करता हूँ। मेरा लंच ये क्या है आज पता नहीं, राइस सैलेड भी है और दही है। तो दही क्यों है मुझे नहीं पता, मैं अभी जस्ट वीडियो कर रहा था तो खा दही है। तो अभी मैं अपना लंच करता हूँ, अभी खा लेता हूँ क्योंकि अब तक तो मैं पढ़ रहा था इंग्लिश फिर मैथ्स क्या प्रीवियस क्वेश्चन पर, तो उसके बाद तो मैं जो करूँगा फिर अभी अपना लंच करता हूँ। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स थे, सब खत्म हो गया, ओनली वो 5 पेपर्स बचा, उसको मैं लॉन्ग करके करूँगा सोच रहा हूँ। मामा बात कर रहा है साउंड है सॉरी, उसको सोच रहा हूँ वो पूरा डिटेल से फुल डिटेल से लिखूँगी लाइन बाय लाइन फुल डिटेल। अभी जल्दी ख़त्म करने का ओनली एक टेक्निक था, सेटिंग में मैं फुल लिखा, फिर जाके जब मुझे पता चल गया कैसे टाइप्स के क्वेश्चन है तो फिर मैं जाके कीवर्ड्स लिखने लगा, जो आंसर मार्क नहीं क्या जो मार्किंग स्कीम है मार्किंग स्कीम के हिसाब से लिखने लगा, मतलब कि मार्किंग स्कीम में कैसे दिया गया होगा। तो उससे मुझे आइडिया भी पता आ गया कि मार्किंग स्कीम में कैसे आंसर्स दिया गया होगा और उसके हिसाब से मुझे किस तरीके से लिखना है। तो अच्छा है, मतलब कि मेरा और 5 बच्चा है, मैं उसको फाइनल रिविज़न करने बाद पूरा ख़त्म कर लूँगा। बाय द वे ये जितना दिख रहा है उतना है नहीं, बिकॉज उसमें 1 साइड ही प्रिंट हुआ है, बोथ साइड प्रिंट नहीं हुआ है। एंड अनदर रीज़न, एक हिंदी पेज है फिर इंग्लिश है, हिंदी इंग्लिश जो डायरेक्ट बोर्ड का था वैसे ही प्रिंट आउट है, तो उसके लिए लग रहा होगा ज़्यादा, लेकिन वो उससे हाफ नहीं उससे भी थोड़ा कम हो सकता है क्योंकि कुछ क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड थे। तो उसके हिसाब से जैसे कि SST में सेल्फ हेल्प ग्रुप, फिर इंग्लिश में कुछ कम रिपीटेड थे लेकिन SST में वैसे हुआ, फिर कस्टम यूनियन उसके ऊपर 1 mark में रिपीटेड थे, तो वैसे ही तो थे। फिर जाके अच्छा है, मेरा ख़त्म हो जाएगा April 15th के अंदर। मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ, एक पेपर को मुझे लगेगा 2 hours क्योंकि 3 hours के बाद मैं ट्राई करूँगा 2 hours में ख़त्म करने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम 2 hours में ख़त्म हो गया होगा, 1 hour में चेकिंग करने का ट्राई नहीं करना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से अच्छा, मेरा हैंडराइटिंग भी जस्ट थोड़ा सा ख़राब है तो उसको भी ध्यान रख के करूँगा, फिर जाके उसको तो मैं करूँगा। बाय द वे मैं कल सुबह वॉकिंग करने जा रहा हूँ। हाँ, मेरा ब्लॉग्स थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि मेरा 10th है, मैं एडिटिंग करने टाइम नहीं मिलता, अगर मैं चाहूँ तो टाइम निकाल सकता हूँ लेकिन 1 hour एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है। तो मैं 15 minutes में जितना एडिटिंग कर सकता हूँ जल्दी जल्दी वो तो करता हूँ। तो ये सब वीडियोस कभी कभी मैं 1 shot में लेता हूँ, कंटिन्यू रिकॉर्डिंग करके नहीं रखता हूँ क्योंकि एडिटिंग के लिए टाइम लगता है। तो वैसे ही तो इसलिए बोरिंग हो रहा है मेरा। एक बार एग्ज़ाम ख़त्म होने से मैं 5 days का गैप मिलेगा, फिर वापस से पढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके हिसाब से वो डिपेंड करता है, तो स्कूल कब खुलेगा, स्कूल तो 5 days के बाद ऑब्वियसली नहीं खुलेगा, तो देखा जाएगा। तो जितना दिन गैप मिलेगा उसमें मैं पूरा अच्छा वीडियोस बनाऊंगा, अच्छे वीडियोस। हो सकता है डेली व्लॉग्स छूट जाए मेरा, कल तो नहीं छूटेगा क्योंकि कल मैं चले जाऊंगा तो उसका व्लॉगिंग करूंगा मॉर्निंग वॉक, जो छूटेगा आई डोंट नो क्या होगा। ये तो अभी 3 minutes कंटिन्यू बोल दिया मैं, पता नहीं बहुत सारे लोग छोड़ के चलेंगे। और बाय द वे अभी मैं गाना सुन रहा था, मैं सोच रहा हूँ रात को बिना खाने के टाइम में YouTube देखूँ कि फ़ोन में खेलूँ। सोच रहा हूँ फ़ोन में खेलूँ क्योंकि YouTube में वो कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो बचा नहीं है, सो वही तो करूँगा। तो मैं अपना डिनर आने का वेट करता हूँ। मेरे डिनर में आज रोटी और तड़का है, कल भी डिनर में यही था, तो अभी मैं तो ऑलरेडी खाना स्टार्ट कर चुका हूँ, अभी खा लेता हूँ बाद में, मैं डिनर ख़त्म कर लेता हूँ।